कुछ मरहम जख्म गहरे होने से पहले ही मर देते। इन लड़कियों के शौहर उनके मुहाफ़िज़ नहीं बनते, उनका कोई घर नहीं होता, उनकी कोई मंजिल नहीं होती। छोटी छोटी बातों पर मूड ऑफ करने वाली आदत है ना तुम्हारी। कुरान पाक पे हाथ रख के कसम खाई थी, नहीं निभाया हुआ था। ऐसी बातें करती ही क्यों हो तुम? एम्बैरस करना होता है मुझे। मैं तुम्हारे हर रूप को अपने अंदर महफूज करना चाहता हूँ। अब तक तो उन्हें एहसास हो गया होगा। ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में इन बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे। हादिया फैजान से कहती है कि अब राजी को इस घर में आपकी बहन लेकर आ रही है, बिला वजह मुझ पर शक करने की ज़रूरत नहीं है आपको, वो आपकी बहन की ज़िद है, ये ना हो कि आप मुझे ताने देते रहें। मेरा राजी से कोई वास्ता नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ रहे और कहाँ नहीं। इस पर फैजान कहता है कि आजकल वैसे ही तुम बहुत ज़्यादा बोलने लग गई हो मेरे सामने। और रही उस राजी की बात, तो मैं देखता हूँ कि वो कैसे आता है, उसकी इतनी हिम्मत, और मैं नताशा को भी समझा लूँगा कि इस घर में राजी को नहीं लेकर आना, वो इस घर में रहने के लायक नहीं है। ये सुनकर हादिया कहती है कि ये आप लोगों का मैटर है, मेरा इससे कोई मामला नहीं है, मुझे इस मामले में ना ही आने की ज़रूरत है। उसी टाइम सफदर साहब भी आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार तुम सब राजी से क्या मसला है, तुम सब लोग उसके पीछे ही पड़े रहते हो, वो इस घर का ख्याल रखता है तुम लोगों से बेहतर, और वो बिजनेस में बहुत अच्छा है, राजी के अंदर वो सारी खूबियां हैं फैजान जो तुम्हें होनी चाहिए थी। ये सुनकर फैजान कहता है कि आप अपने बेटे को ही ऐसा कह रहे हैं, वो भी उस राजी के लिए, आपको ये बातें जेब नहीं देती हैं बाबा। ये सब आप अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे।